लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट टू की शुरुआत फ्रॉडो की क्वेस्ट से ही होती है, जो सपने में गैंडाल्फ को बैलरॉग से लड़ते देखता है। गैंडाल्फ के अंडरवर्ल्ड में गिरते ही फ्रॉडो ड्रीम से उठ जाता है। गैमजी के साथ मॉर्डोर पहुंच के रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्रॉडो एमिन म्यूल जाता है, जहां फ्रॉडो और गैमजी घूम जाते हैं। फिर एक दिन गॉलम रिंग का पीछा करते उन तक पहुंच जाता है, जो रिंग के लिए फ्रॉडो पे अटैक कर देता है। फ्रॉडो और गैमजी उसे पहले तो होस्टेज बना लेते हैं, मगर फिर फ्रॉडो को एहसास होता है कि गॉलम उन्हें मॉर्डोर तक पहुंचा सकता है, जिस पर फ्रॉडो गॉलम को फ्री करने के लिए उससे प्रॉमिस लेता है कि गॉलम उन्हें मॉर्डोर तक लेके जाएगा। इसके बाद गॉलम के साथ वो दोनों मॉर्डोर की तरफ निकल जाते हैं। सीन्स पिपिन और मैरी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे डार्क लॉर्ड की आर्मी ने लास्ट पार्ट में पकड़ लिया था। एरागॉन, लेगोलस और गिमली उन्हें बचाने के लिए डार्क लॉर्ड की आर्मी का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं रास्ते में हॉबिट्स की तरफ से छोड़ी हुई निशानी देख के एरागॉन, लेगोलस और गिमली को अंदाजा होता है कि वो सब हॉबिट्स को आइजेनगार्ड ले जा रहे हैं, यानी सारुमान के पास। यहाँ सारुमान दिन ब दिन अपनी आर्मी में इजाफा कर रहा होता है। सारुमान के लोग किंगडम ऑफ रोहन पे अटैक कर देते हैं, ताकि उन्हें वेपन्स बनाने के लिए फ्यूल और वुड मिल सके। किंगडम ऑफ रोहन का किंग थ्योरन सारुमान और उसके सर्वेंट ग्रीमा के कंट्रोल में होता है। इस पर वो अपने नेफ्यू एओमर और उसके आदमियों को किंगडम से निकाल देता है, क्योंकि वो सारुमान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है। यहाँ रोहिरिम का ग्रुप पिपिन और मैरी को अपना फूड बनाने की ट्राई करता है, मगर अरेक हाई को लगता है कि उनके पास रिंग है। यही वजह है कि वो उन दोनों को उठा के अपने साथ लाए होते हैं। अरेक हाई हॉबिट्स को कुछ नहीं होने देना चाहते हैं। इस पर रोहिरिम और अरेक हाई के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बात का फायदा उठा के मैरी और पिपिन उनसे बचने की ट्राई में लग जाते हैं। तभी वहाँ एमर अपने सोल्जर्स के साथ आकर अरेक हाई और रोहिरिम पे अटैक कर देता है। नेक्स्ट डे एरागॉन और उसकी टीम एमर और उसके सोल्जर्स से मिलते हैं। एरागॉन जब एओमर से हॉबिट्स का पूछता है, तो उसे पता चलता है एओमर ने रात अटैक में सबको मार के जला दिया। एओमर उनसे कहता है कि वो हॉबिट्स की सर्च के लिए वहाँ चले तो जाएं, मगर ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि हो सकता है रात वो दोनों भी साथ मर गए हों। एरागॉन जब वहाँ पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि हॉबिट्स अपनी जान बचाते हुए फैनगॉन फॉरेस्ट में चले गए हैं। वहाँ हॉबिट्स पे एक लिविंग ट्री अटैक कर देता है, जो ऐसा लगता है उन्हें सारुमान के हवाले कर देता है। यहाँ गॉलम जैसे तैसे फ्रॉडो को मॉर्डोर के गेट के पास ले जा रहा होता है। उन पे खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो लोग रात रेस्ट के लिए रुकते हैं, तो फ्रॉडो गॉलम की हेल्प करने की ट्राई करता है, जहाँ वो गॉलम को उसका नाम याद दिलाने की ट्राई करता है। तभी गॉलम को रियलाइज होता है कि उसका नाम स्मीगल था, और वो भी रिंग मिलने से पहले एक हॉबिट ही था। उसी दौरान वहाँ एक ब्लैक राइडर आ जाता है, जो इस बार एक ड्रैगन राइड पे होता है। स्मीगल, फ्रॉडो और गैमजी उससे छुपने के लिए एक बुश के नीचे चले जाते हैं। ब्लैक राइडर के पास होने की वजह से रिंग फ्रॉडो को कंट्रोल करने लग जाती है, और वो ना चाहते हुए भी उसे पहनने लगता है। ऐसा करने से उसे गैमजी रोकता है। ब्लैक राइडर के जाने के फौरन बाद ये लोग फौरन ब्लैक गेट के लिए निकल जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जाने पर एरागॉन और उसकी टीम पे विजर्ड हमला करता है, जो उन्हें लगता तो सारुमान है, मगर वो असल में गैंडल्फ होता है, जो उन्हें बताता है कि बैलरॉग को हरा के वो जख्मी होके गिर गया था, मगर उसे रेस्क्यू कर लिया गया और ज्यादा पावर्स के साथ गैंडल्फ द वाइट बना के मिडिल अर्थ को सेव करने के लिए भेजा गया है। गैंडल्फ उन्हें बताता है कि हॉबिट्स को उसने सेफ जगह भेज दिया है। खुद वो एरागॉन, लेगोलस और गिमली के साथ रोहन किंगडम को सेव करने निकल जाता है। स्मीगल फ्रॉडो को ब्लैक गेट तक पहुँचा देता है, मगर वहाँ वो डार्क लॉर्ड की आर्मी को गेट को प्रोटेक्ट करते देखते हैं। तभी सोल्जर्स को एंटर करने के लिए गेट खोला जाता है। ये देखते हुए गैमजी क्लिफ टूटने पे नीचे गिर जाता है। फ्रॉडो उसे जमीन से निकालने की ट्राई तो करता है, मगर सोल्जर्स को आता देख वो दोनों क्लॉथ से खुद को कवर करके छुप जाते हैं। गेट बंद होने से पहले फ्रॉडो और गैमजी अंदर जाने की ट्राई करते हैं, जिन्हें स्मीगल रोक देता है। स्मीगल फ्रॉडो को कहता है कि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। वो मॉर्डोर के अंदर जाने का एक और रास्ता जानता है, जिस पर फ्रॉडो उस पे ट्रस्ट करते हुए उसे दूसरा रास्ता दिखाने को कहता है। साथ रोहन पहुंच जाता है, जहां वो थ्यूडन को सारुमान के कंट्रोल से फ्री करवाता है। सारुमान फुल फाइट देता है, मगर गैंडल्फ अब पहले से ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे हरा के थ्यूडन को फ्री करवा लेता है।
स्टूडेंट गुस्से में ग्रीमा को मारने लगता है। उसे ऐसा करने से एरागॉन रोकता है, ये कहते हुए कि ये सारुमान तक इनका मैसेज पहुंचाएगा। स्टूडेंट को अपनी बेटी की डेथ का पता चलता है, जिस पर वो बहुत डिसहार्ट हो जाता है। गैंडल्फ उसे वॉर की वार्निंग देकर रेडी रहने को कहता है, मगर स्टूडेंट और अपने लोगों का खून नहीं बहाना चाहता है, इसलिए उन्हें लेके हेल्म द्वीप के फोर्ट्रेस हॉर्नबर्ग ले जाने का डिसाइड करता है। उसके हिसाब से उसके लोग वहाँ सेफ रहेंगे। गैंडल्फ एयमर और उसके सोल्जर्स को ढूंढने चला जाता है, इस होप के साथ कि वो अपनी किंगडम और असल किंग के लिए फाइट करेंगे। जबकि एरागॉन और उसकी टीम थ्योडन के साथ उसके लोगों को सेफली हॉर्नबर्ग ले जाने के लिए साथ रहते हैं। एओविन थ्योडन की नीस एरागॉन को ब्रेगो नामी हॉर्स को नॉर्मल करता देख के बहुत इम्प्रेस होती है। ब्रेगो को ठीक करके एरागॉन उसे फ्री करने का बोल देता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत वॉर्स देख ली है। एरागॉन की एओविन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ ग्रीमा जब सारुमान को रोहन किंगडम के हालात बताता है और ये भी कि वो कहाँ जा रहे हैं, सारुमान अपने सोल्जर्स भेज के उन पे अटैक करने का बोलता है। यहाँ फ्रोडो स्मीगल की मदद करना चाहता है, मगर गैमजी स्मीगल को ज्यादा पसंद नहीं करता है, जिस पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। गैमजी फ्रोडो को समझाने की कोशिश करता है कि वो रिंग की वजह से दिन ब दिन एग्रेसिव होता जा रहा है, मगर फ्रोडो उसकी कोई बात नहीं सुनता है। स्मीगल सच में फ्रोडो के अच्छे बिहेवियर की वजह से बेहतर होने लग जाता है, जिस पर उसकी अच्छी साइड उसके डार्क साइड पे जीत हासिल कर लेती है और वो फुली फ्रोडो का सर्वेंट बनने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो डार्क लॉर्ड की और ज्यादा आर्मी को मॉर्डोर की तरफ जाते देखते हैं, जिस पर इन्हें अंदाजा होता है कि डार्क लॉर्ड लास्ट टाइम की हार को बहुत सीरियस ले चुका है और इस बार किसी भी सूरत हार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी वो लोग देखते हैं कि डार्क लॉर्ड की आर्मी पे अटैक हो गया है। अटैक करने वाले इथिलियन के रेंजर्स होते हैं, जिन्हें फेरामीर बोरोमीर का लेट ब्रदर लीड कर रहा होता है। वो लोग फ्रोडो और गैमजी को भी डार्क लॉर्ड के लोग समझ के पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हेल्म द्वीप के रस्ते में थ्योडन और उसके लोगों पर ऑर्क्स अटैक कर देते हैं। थ्योडन एओविन को वुमेन और चिल्ड्रन को फोर्ट्रेस तक ले जाने का बोल के अपने सोल्जर्स और एरागॉन की टीम के साथ उनसे फाइट करने लग जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती है। ऑर्क्स को हराते ये सब एक दूसरे को सेव करने में लगे होते हैं। उसी दौरान में एक ऑर्क से फाइट में एरागॉन उसके एनिमल के साथ लटकता है तो वो ऑर्क उसका हाथ अपने एनिमल से बांध देता है, जिस पर एरागॉन एनिमल के साथ क्लिफ से नीचे गिर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद लेगोलस और एरागॉन का आर्विन की तरफ से दिया हुआ नेकलेस उस ऑर्क के हाथ में मिलता है, जिस पर वो सब एरागॉन को डेड समझ के आगे निकल जाते हैं। मैरी और पिपिन ट्री बियर्ड के साथ आइजेनगार्ड पहुंचते हैं, जहां वो सारुमान और डार्क लॉर्ड की इतनी बड़ी आर्मी देखते हैं और उनकी इस आर्मी और वेपन के लिए ट्रीज की डिस्ट्रक्शन भी देखते हैं। दूसरी तरफ जख्मी एरागॉन को ब्रेगो ढूंढ लेता है, जो उसे अपने ऊपर बिठा के ले जाता है। सीन्स रिवेंडेल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ आर्विन एरागॉन का वेट कर रही होती है। उसे उसके फादर लॉर्ड एलरॉन्ड समझाते हैं कि एरागॉन अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है, और अगर वो मिडिल अर्थ में ही रह के उसका वेट करती रही तो एल्फ की एज ज्यादा होती है और एरागॉन ह्यूमन होने की वजह से एक दिन मर जाएगा और आर्विन अकेली रह जाएगी। ये सारी रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए आर्विन अपने फादर की बात मान के ना चाहते हुए भी वेलेनोर के लिए निकल जाती है। गैलेड्रियल लॉर्ड एलरॉन्ड को पीछे हटाने के बजाय ह्यूमंस के साथ अपने अच्छे एलाइज को याद करवाते हुए उन्हें अपना सपोर्ट भेजने को कहती है, क्योंकि वो देख सकती है कि फ्रोडो की स्ट्रेंथ कम हो रही है और डार्क लॉर्ड की आर्मी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, जो ह्यूमैनिटी के नामो निशान मिटा देंगे और मिडिल वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे। इस पर एलरॉन्ड अपनी एक आर्मी हेल्म द्वीप की तरफ भेज देता है। सीन्स फेरामीर पे शिफ्ट होते हैं, जो ये जानने के बाद कि फ्रोडो उसके भाई बोरोमीर का दोस्त है उसके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि नहीं थे, क्योंकि बोरोमीर के मुकाबले फेरामीर उन्हें हमेशा शर्मिंदा करता था, मगर फेरामीर किसी भी तरह उन्हें प्राउड फील करवाना चाहता है। फेरामीर गोलम को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि रिंग फ्रोडो के पास है। फेरामीर को लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो अपने फादर को यकीन दिला सकता है कि वो उनका खून है, जिस पर वो फ्रोडो को मोरोडोर की तरफ भेजने के बजाय अपने साथ गंडोर ले जाने का डिसाइड करता है। एरागॉन को रस्ते में डार्क लॉर्ड की आर्मी आते नजर आ जाती है, जो हेल्म द्वीप पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इस
पर एरागॉन फौरन हेल्म द्वीप पहुंचता है और थ्यूडेन और बाकी सबको वार्न करता है। एरागॉन थ्यूडेन को बताता है कि वो मैक्सिमम 10,000 की आर्मी है, जो अभी बस डार्क लॉर्ड की आर्मी का एक पोर्शन है जिसे उसने ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए भेजा है। थ्यूडेन के डार्क लॉर्ड की आर्मी से कम सोल्जर्स होने के बाद भी उसके पास अब वॉर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिस पर वो अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए रेडी होने का कहता है। ट्री बियर्ड अपने साथियों और एंड्स के साथ आइजेनगार्ड पे अटैक करने का डिसाइड करता है। रोहैन किंगडम के लोगों में हार का डर फैला होता है। सबको साफ नजर आ रहा होता है कि वो ये वॉर किसी सूरत नहीं जीत सकते हैं, मगर फिर भी थोड़ी सी ही होप के आसरे पे वो फाइट के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जितना हो सके वो अपनी काइंड के लिए लड़ना चाहते हैं, जिसमें एरागॉन फुली उनके साथ होता है। मगर अब टाइम आ गया है कि सब अच्छे लोग साथ मिल जाएं और बुराई के खिलाफ फाइट करें, इसीलिए एल्व्स भी ह्यूमन की हेल्प करने वहाँ पहुँच जाते हैं। डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पहुँच जाती है और एक इंटेंस वॉर स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही आर्मीज एक दूसरे को टफ कॉम्पिटिशन देने में लग जाती है। डार्क लॉर्ड की आर्मी रोहैन किंगडम पे हावी हो जाती है। ऑर्क्स फोर्ट्रेस की पूरी एक वॉल तोड़ देते हैं, जिसमें एरागॉन जख्मी हो जाता है और ऑर्क्स फोर्ट्रेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब है मूवी में हीरोइक एंट्री की बारी, जो कि एरागॉन दे देता है। एकदम उठ के ऑर्क्स को अंदर आते देख वो एल्व्स को अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद फिर से एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान में एल्व्स के लीडर की डेथ हो जाती है। ऑर्क्स को फोर्ट्रेस के गेट पे जाते देख एरागॉन और गिमली उन्हें उन पे अटैक कर उन्हें उससे दूर रखते हैं, जिस पर थ्यूडेन अपने लोगों के साथ गेट को सिक्योर करता है। एल्व्स और मेन ऑर्क्स को जितना हो सकता फोर्ट्रेस से दूर रखने की ट्राई करते हैं। लेगोलस रोप फेंक के गिमली और एरागॉन को वापस कैसल में लाता है, मगर ऑर्क्स बहुत तेजी से इन्हें हराने में लगे होते हैं। दूसरी तरफ फैरामीर फ्रोडो को लेके गंडोर तक पहुंच जाता है। वहां सब डिस्ट्रॉय होता देख फ्रोडो फैरामीर को समझाने की ट्राई करता है कि उसे मॉर्डोर जाके रिंग को डिस्ट्रॉय करने दे, मगर फैरामीर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गंडोर में इन पर डेथ रेंजर्स अटैक कर देते हैं। डार्क लॉर्ड की आर्मी को फोर्ट्रेस पे होल्ड लेते देख एरागॉन वुमेन और चिल्ड्रन को वहां से निकाल के माउंटेन की तरफ जाने को कहता है। खुद एरागॉन और थ्योडन एक न्यू पैशन के साथ लड़ने के लिए वापस चले जाते हैं। उतनी देर में गैंडल्फ एओमर और उसके सोल्जर्स को लेके वहां पहुंच जाता है और रोहैन किंगडम को सेव करने में लग जाता है। यहां ट्री बियर्ड भी एंड्स के साथ सारुमान पे स्टॉर्म लाके अटैक कर देते हैं और उसके कैसल को कवर कर लेते हैं। सीन्स फ्रॉडो पे शिफ्ट होते हैं, जो बिल्कुल वीक होके गोस्ट राइडर के सामने रिंग पहनने ही वाला होता है, जिसे आकर गैमजी रोकता है और फैरामीर ड्रैगन पे अटैक करके उन्हें सेव करता है। थ्योडन और एरागॉन भी ऑर्क्स के खिलाफ वॉर जीत जाते हैं। फैरामीर रिंग की असलियत समझ जाता है और फ्रॉडो को रियलाइज करा देता है और उनको वहां से जाने का रास्ता भी बताता है, जिस पर फ्रॉडो वापस से गैमजी और गोलम के साथ रिंग को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। यही मूवी एंड हो जाती है।